पांच मिनट पूरा विच बहना गर्दन तक हां आ जाता हां पक्की गल तू बह पांच मिनट बह बिच पाँच मिनट पूरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। दोस्तों इंजन लेकर रवाना कर दिया है, वो चला गया तो आगे फिर प्रोग्राम बन गया कि चले जी आगे छुट्टी है संडे की और मंडे की। तो इन्होंने कहा कि भी यार चलें क्यों ना एक दिन आगे लगा के। तो वहाँ से हम रात को निकले हैं तकरीबन लाहौर से 1 बजे। तो अभी हम जो है तलाकिंग का इलाका ये, यहाँ से हमने ना इंटरचेंज से नीचे उतरे हैं क्योंकि ऊपर जो है ना तामों के आम पे या सर्विस एरिया पे आपको पता है कभी यहाँ उनके हालात कैसे हैं, किस तरह का वो नाश्ता देते हैं और क्या चीज़ करते हैं, मज़ा नहीं आता नाश्ता करने का। इसलिए फिर यहाँ पे हम नीचे उतर के हमने यहाँ पर नाश्ता किया है। तो अभी नुमान शायद वाले जो है ना वो नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने नाश्ता कर लिया था। तो मैंने कहा भी चले मैं ज़रा दोस्तों के साथ आगे शेयरिंग भी ज़रा कर लूँ। तो आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं जी अभी इस्लामाबाद में जाके पता चलेगा कि नथिया गली की तरफ जाते हैं या फिर आगे नारायण की तरफ जाते हैं। अपना शायद भाई किस तरफ का प्रोग्राम बन रहा है, आगे कहाँ जाने का प्रोग्राम है? अपना प्रोग्राम भाई बन रहा है अभी नारायण का, नारायण की तरफ जाएंगे। पक्का हो गया? डन है, डन है। चले जी नारायण की तरफ जी, इन्होंने कहा जी डन हो गया जी, अभी चलते हैं जी नारायण की तरफ। तो इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ वीडियो बना के शेयर करते रहेंगे। अभी जी हम इस्लामाबाद क्रॉस कर रहे हैं, तो इस टाइम जो है हज़ारा मोटरवे पे हम इंटर हो रहे हैं। ये जी माशाल्लाह जी हज़ारा मोटरवे बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है, बल खाती हुई पहाड़ों के अंदर से, टनल के अंदर से माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत टनल हैं। और हज़ारा मोटरवे के ऊपर सफ़र करने का तो मज़ा ही कुछ और है। अभी जी हम कहवाई के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना हमें थोड़ा सा वो बस दुख हुआ है कि यार नारायण का रास्ता जो है वो अभी बंद है। तो अभी कहवाई में जाएंगे, कहवाई में स्टे करेंगे कुछ देर, फिर उसके बाद देखते हैं कि भी आगे का क्या प्लान बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वार्डन ने बताया, पुलिस वाले खड़े थे पीछे, उन्होंने कहा कि भाई आपने शोकना जाना जाए कोई मसला नहीं है, कगान भी जाएँ ठीक है, लेकिन रास्ते जो है ना नारायण के बंद है अभी। तो अभी हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं ऐसे ही, तो कहवाई में चल के स्टे करते हैं थोड़ी देर, फिर चेक करते देखते हैं कि नारायण का कहाँ तक रास्ता जो है ना वो खुला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कहवाई खैरियत से पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे रश वगैरह भी अभी लगा हुआ है, टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं, लेकिन नारायण का रास्ता तो आपको पता है बंद है, तो इसलिए फिर मज़ा जो है जो है ना वो करखरा सा रह गया है। चलें अभी जा रहे बैठते हैं जाके, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, चारपाई भी पड़ी हुई हैं। पाँच मिनट पूरा विच बहना गर्दन तक हाँ आ जाता, हाँ पक्की गल तू बह पांच मिनट बह बिच पांच मिनट पूरा बहना, पांच मिनट इतने गर्दन तक पानी आवे। हाँ जी शायद, हाँ भाई सजाद 3 किलो बकरा, 3 किलो 5 मिनट पानी के अंदर बैठना, 3 किलो बकरा हाँ। उधर तो बड़ा शोर डाला हुआ था, मैं बैठूंगा बैठो ना, तुम मरी से घूम के चले गए हो, ये मरी नहीं है, ये नारायण का गान का इलाका है। माशाल्लाह जी मजा आ गया है,
मजा आ रहा है। 3 मिनट बह गया पानी दे विच, बह गर्दन तक पानी, 3 किलो बकरा। ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये शोकरा की तरफ जा रहा है, ये नीचे जो गाड़ियां खड़ी हैं ये जा रहा है नारायण कागान की तरफ। ये कहवाई की दूसरी साइड है। पहले सिर्फ नीचे होटल होते थे वहां तक, अब ये इन्होंने ऊपर भी बना लिया है होटल, ये इस जगह पे भी आ गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शोकरा और सिरीपाए। सिरीपाए मुकम्मल तो बंद है ऊपर तक, तो जहाँ तक ग्लेशियर है वहाँ तक जा सकते हैं। चले।